पुलिस ने भाईजान को कुछ दिन घर से कम निकलने की सलाह दी है। धमकियों के बीच कड़ी सिक्योरिटी में सलमान खान बिग बॉस शूट करने के लिए पहुंचे। फिर क्या था, उनके चाहने वालों की चिंता बढ़ गई। लेकिन खबर ये नहीं है, मसला लॉरेंस और सलमान खान के सुलह का है। बाबा सिद्दीकी के हत्या के 6 दिन बाद बिश्नोई गैंग की ओर से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। वैसे तो सलमान खान को बिश्नोई गैंग कई सालों से धमकाती आ रही है, लेकिन इस बार धमकी के साथ साथ फिरौती की भी डिमांड रखी गई। धमकी भरे मैसेज में लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ फिरौती की डिमांड की गई है। अब तक सलमान खान को जितनी बार भी बिश्नोई गैंग ने धमकाया है, उसमें कभी माफी मांगने को कहा गया तो कभी जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन इस बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी के साथ साथ दुश्मनी को भी खत्म करने के लिए फिरौती की डिमांड की गई है। सलमान खान को बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन के बाद से जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरी मैसेज में लिखा था, इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है। सलमान खान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलमान की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। टाइगर को फिर मिली धमकी, लगातार बढ़ रही है लॉरेंस गैंग की गुंडागर्दी। धमकी के साथ फिरौती की डिमांड, एक बार फिर खतरे में सलमान खान की जान। 12 अक्टूबर को सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या से मुंबई की शांत हवा में मानो बेचैनी सी हो गई थी। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के दफ्तर के बाहर निकले थे, तभी उन पर 6 गोलियां चलाई गई। 2 गोली सिद्दीकी के पेट पर और 1 सीने में लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात 11:27 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सलमान को कब कब मिली धमकी? जनवरी 2024, अप्रैल 2023, मार्च 2023, जून 2022। वही अगर बात सलमान खान से लॉरेंस की दुश्मनी की करे तो आपको याद होगा 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरन का शिकार किया गया था। सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी पर भी काले हिरन के शिकार का आरोप लगा था। बिश्नोई समाज ने तब सलमान खान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। सलमान खान को इसके लिए जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सियासत में सबसे दोस्ती, सिनेमा में सबके यार और मुंबई राजनीति में चमकदार चेहरा, मुंबई के पार्टियों में सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस, बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की शांत आबो हवा में एक बेचैनी सी बढ़ा दी। लेकिन अब चर्चा सलमान खान और लॉरेंस गैंग के सुलह का है। इस सवाल का जवाब आप दर्शकों पे छोड़ जाता हूँ, आपको क्या लग रहा है कमेंट कर बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।